वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोबी स्किन केयर टिप्स। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं फैदर हेयर कट। फैदर हेयर कट को मैं तीन पार्ट में आपको बताऊंगा। सब फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा ए सेक्शन, सेकंड होगा स्लाइड फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, देन हमारा जो थर्ड होगा वो होगा बैक साइड से सी सेक्शन। सी सेक्शन को हम 60 डिग्री पर कट करेंगे, जिससे कि हमारे हेयर में वॉल्यूम आ जाएगा। ओके गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन हमने निकाल लिया, 4 सेक्शन हमने निकाल लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब करते हैं चलिए स्टार्ट। अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लें। गाइस, सब्सक्राइब करिए माई चैनल। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं हम फर्स्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिया है मैंने ए सेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, मैंने यहाँ पे ए सेक्शन निकाल लिया। अब इसको हम गाइडलाइन कर लेंगे अपनी। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे लिप्स तक कट। ठीक है, जो कि हमारी गाइडलाइन आ चुकी है। अब इसी गाइडलाइन को लेके हम फाइन फाइन सेक्शन लेंगे और स्लाइड करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत डीप नॉर्मली स्लाइड सा करना है हमें, जिससे कि थोड़ा हमारा फैदर कट आए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअली फैदर कट में होता ये है कि जब कोई फैदर कट कहता है, एक तो उसको लेंथ का ज़्यादा कम नहीं करवानी होती है लेंथ। देन सेकंड जो होता है, इसमें काफ़ी अच्छे लेयर्स आ जाते हैं और थोड़ा बाउंसी लुक आता है। ठीक है फ्रेंड, जब किसी को ज़्यादा कट ना करवाने हो हेयर, तो आप उसको फैदर हेयर कट सजेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब वो करेंगे हम राइट के साइड, ऐसे ही गाइडलाइन ली हमने और उसके स्लाइड करते गए ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन फाइन फाइन सेक्शन लेंगे और उसको हम ऐसे ही फॉलो करते हुए गाइडलाइन के लिए ऐसे ही कट करते जाएंगे। बहुत ही इजी टेक्निक है गाइज। अब हम इसको दो पार्ट में भी डिवाइड के ले सकते हैं फैदर हेयर कट को, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने ये चीज़ जो करी वो आपको बहुत ही डीपली समझाने के लिए करी है कि हम छोटा छोटा फाइन फाइन सेक्शन लेके इस कट को कंप्लीट कर सकते हैं और हमारा बिल्कुल प्रॉपर कट बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम दोनों साइड से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर कोई हल्का सा अनइवन होगा तो हम उसको कट कर देंगे। हमें पूरे हेयर में से हल्का हल्का फाइन फाइन सेक्शन लेना है। ये देखिए, जैसे मैं ले रहा हूँ, अब बैक साइड के मैं सेक्शन ले रहा हूँ और एयर के सेक्शन में मिक्स करके गाइडलाइन के लिए, जो हमारे पास गाइडलाइन है, और उसको अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा है, ये मैं अब कट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। ऐसे ही हमारा फैदर कट कंप्लीट होता चला जाएगा। हम बैक साइड से लेंगे, फिर उसको ऐसे ही मिक्स करेंगे फ्रंट के सेक्शन में एंड कट कर देंगे। गाइज, थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट कर रखा है, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखें, मैं फिर से लूँगा सेक्शन, फाइन सेक्शन लूँगा और बहुत अच्छे से मिक्स करूँगा फ्रंट के हेयर में, और उसको मिक्स करने के बाद अपनी गाइडलाइन के, जो हमारी गाइडलाइन के हेयर हैं उसमें मिक्स करके जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको मैं कट कर दूंगा। एक और गाइस, इस बात का ध्यान रखें, जब हम कस्टमर का काम करें तो कस्टमर को डोंट मूव, मतलब हिल ना, वो बिल्कुल उनका फेस मूव ना करे, वो स्ट्रेट रखें अपने फेस को, जिससे कि हमारा कट बहुत अच्छा आएगा। अगर वो मूव करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है कट की। ऐसे ही हम राइट साइड से करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम राइट साइड से करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर जितने भी एक्स्ट्रा हैं उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये देखिए, फाइन फाइन सेक्शन लेंगे इसी तरह जैसे हमने लेफ्ट से लिए थे, अब हम राइट से लेंगे। ऐसे ही गाइडलाइन जो है हमारी उसको स्लाइड करते हुए कट कर देंगे। बहुत फाइन सेक्शन लेंगे, उतना अच्छा आपके हेयर कट का रिज़ल्ट आएगा। और कोई भी फ्रेंड, कोई भी आप हेयर कट करते हैं तो सबसे पहले शैम्पू और कंडीशनिंग कर लें हेयर में, क्योंकि अगर आप वैसे ही नॉर्मली अगर आप करेंगे तो थोड़ा अनइवन कट आता है हेयर का, क्योंकि प्रॉपर हमारे हेयर वॉश नहीं होते हैं, देन काफ़ी डस्ट वगैरह रहता है हेयर में, जिसकी वजह से थोड़ा अनइवन कट आ जाता है हमारे हेयर का। ऐसे ही लेंगे और जो हमारे पास गाइडलाइन है उसको मिक्स करके कट कर देंगे। ये देखिए गाइस,
कितना अच्छा कट होने वाला है गाइज, आप फाइनली लुक देखिए। और इनके हेयर में बाउंस भी आ जाएगा, बाउंस भी आ जाएंगे और लेयर्स भी आ जाएंगे, काफ़ी अच्छा इनको हेयर कट लगने वाला है यहाँ पर। आई होप कि गाइज ये आपको भी काफ़ी अच्छा हेयर कट लगेगा। आप ये कट किसी को भी दे सकते हैं जिसको लेंथ कम ना करवानी हो, ठीक है, लॉन्ग लेंथ रखनी हो और थोड़ा चेंज चाहिए हो उसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे एक सी सेक्शन, ऐसे निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे सी सेक्शन निकालेंगे। सी सेक्शन निकालने के बाद सेंटर से और बैक साइड से सी सेक्शन निकलता है, इसको हम फोल्ड करके सेक्शन क्लिप में लगा लेंगे। अब जो हमारी साइड के हेयर हैं, अब ही इनको करेंगे 60 डिग्री पर कट। ये देखिए फ्रेंड्स, 60 डिग्री पर हम कट करेंगे इसको। अब मैं कट क्यों कर रहा हूँ गाइज, ये कट मैं इस वजह से कर रहा हूँ जितने भी थोड़ा हमारे हेयर की लेंथ बैक साइड की डैमेज वगैरह होते हैं, एक तो वो निकल जाते हैं इससे और थोड़ा बाउंसी लुक आता है हमारी बैक साइड में। ऐसे मिक्स करेंगे और बहुत लाइट लाइट सा कट कर देंगे। ये देखिए मैं कितना हल्का हल्का सा कट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी की गाइडलाइन हमें ये मिल चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन, फाइन फाइन सेक्शन इसमें से लेंगे और नीचे की साइड मिक्स करेंगे गाइडलाइन के, और उसमें मिक्स करने के बाद कट करते जाएंगे। गाइज आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। मैंने प्रॉपर आपको तरीका बता दिया, ऐसे ही हम पूरे सेक्शन में मिक्स कर करके इसको कट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।